शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किस तरह से सभी सुखी हो सभी निरोगी हो, ये जो भारतीय संस्कृति है जो परंपरा है उसका उसकी उसकी बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। जी जी, देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और चारों तरफ आप जो यहाँ भक्तगण आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव की बात होती है, शिव सबके हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जब जो उनके शरण में जाता है वो उसका जो कष्ट है वो निवारण करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच भी कहते यही है कि कर्ता करे सो कर सके, कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, और तीन गुण नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। तो शिव की महिमा तो अपरंपार है, उनकी चर्चा करेंगे अगर आज हम तो शायद ये कार्यक्रम हमको बढ़ाना पड़ेगा शैलेंद्र। लेकिन शिव के साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसोसिएशन है और जिस तरह से काशी की जनता उसको लेती है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। निखिल, वही बात मैं कह रहा था कि एक शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार है वो देखिए, वो सबकी चिंता करती है। तमाम 2014 के बाद आप उन योजनाओं को देखें किस तरह से वंचित तबके को एक सहारा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना भारत में चल रही है, जिसमें आप 50 करोड़ से अधिक लोगों को आप देखते हैं कि एक हेल्थ कवर मिला है, जिसमें वो अपने इलाज की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के बाद से दिया जा रहा है और दुनिया अचंभित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने इतने वर्षों से इस सफलतापूर्वक इस योजना को न केवल क्रियान्वित किया है बल्कि जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित किया है कि वो एक शानदार योजना के तौर पर लोगों को राहत के तौर पर काम आए और उसे 5 वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आप देखें कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे खाते में पैसा, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर मनरेगा का पैसा हो या तमाम पेंशन योजनाएं हो या लाभार्थी योजनाएं हो, उनका पैसा खाते में पहुंच रहा है। इसे पारदर्शिता की एक मिसाल के तौर पर दुनिया देख रही है। डिजिटल इकोनॉमी आप देखें कि डिजिटल क्रांति जो भारत ने 2014 के बाद देखी है, ये अभूतपूर्व है। दुनिया के विकसित देश भी हमसे सीख रहे हैं कि भारत ने किस तरह से UPI और डिजिटल क्रांति की है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर काम हुआ है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला दिवस कल ही था, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 300 रुपए की जो राहत उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारियों को सब्सिडी के तौर पर दी जाती थी, 100 रुपए कटौती सभी LPG जो रसोई उपभोक्ता है उनके लिए की है, महिलाओं को एक राहत दी है। लेकिन महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया गया है।